दोस्तों अगर बात की जाए फिल्मी जगत में आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने या फिर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ऐसे फेमस डायलॉग की, तो हम नाना पाटेकर को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने लगभग सभी फिल्मों में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग और धाकड़ आवाज से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, जहां इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और उन फिल्मों में उनके साथ हर अभिनेत्रियों की जोड़ी काफी पसंद भी की गई है। आज इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि उनके करियर के दौरान रह चुका उन अभिनेत्रियों के साथ लव रिलेशनशिप को बताने वाले हैं, जिसे लेकर नाना पाटेकर काफी सीरियस रहे हैं। लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और जो एक अधूरी कहानी बनकर उभरा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वे अभिनेत्री आज जिनके साथ नाना पाटेकर का अफेयर रहा है। नंबर वन, आयशा जुल्का। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का की, जहां ये तो जग जाहिर है कि एक समय आयशा जुल्का और नाना पाटेकर एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। खबरें तो यहां तक थी कि दोनों एक दूसरे के साथ जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। दरअसल साल 2003 में आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आज की। इस फिल्म में दोनों ने खूब बोल्ड सीन दिए। फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए गए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और लिव इन में रहने लगे। हालांकि नाना शादीशुदा थे, जिस वजह से दोनों का ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक देना नहीं चाहते थे और उन्होंने आयशा जुल्का से ये कहकर उनका साथ छोड़ दिया कि वे उनसे अब प्यार नहीं करते हैं। नंबर टू, मनीषा कोइराला। आयशा जुल्का के अलावा बॉलीवुड की एक और हॉट एक्ट्रेस नाना के प्यार में पागल थी। ये एक्ट्रेस थी मनीषा कोइराला। दोनों की नजदीकियों की खबरें खूब चर्चा में आई थी। लोगों को जब नाना के अफेयर की खबरें पता चली तो वे हैरान थे कि नाना जैसा कड़क स्वभाव वाला व्यक्ति रोमांस भी कर सकता है। मनीषा नाना के लिए काफी पजेसिव थी। खबरों के अनुसार मनीषा को नाना का अपने कोस्टार से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। एक दिन मनीषा ने किसी के साथ नाना के कमरे में उन्हें देख लिया। इस पर मनीषा भड़क उठी और चिल्लाने लगी। बात मारपीट तक पहुंच गई थी। तब नाना ने मनीषा को समझाकर शांत किया। इस घटना के बाद मनीषा नाना पर पत्नी से तलाक लेकर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन नाना किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। नाना के इस व्यवहार से मनीषा का दिल टूट गया। इसके बाद उन्होंने नाना से अपने सारे रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों आपको नाना पाटेकर के साथ किस अभिनेत्री की जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।